भागवत जी को कृष्ण स्वरूप मानकर भाव से प्रणाम कीजिए। नमः श्री द्वारकेशाय काशचारय ते नमः राजराजेश्वरायाथ पार्थसारथये नमः क्वायं क्षुद्रमतीर्दास क्व स्वामी गुणवारिधि मुहुर्मुहुर्निमग्नम् क्षमस्व करुणानिधे। नयस्य साक्षात् भवपद्मजादिवीर रूपं दया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्तोपशमेन पूजिता प्रसीदतामेश सत्वतां पति ऋषि भागवत महापुराण कीजिए। सुखदेव जी का पूजन कीजिए। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। तुलसी मैया का पूजन करें। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संप्रदायिके तुलसी श्री सखी शुभे पाप हरिणी पुण्य दे नमस्ते नारद नुते नारायण मन प्रिय। तुलसी मैया की व्यास जी महाराज का पूजन कीजिए। यस्वानुभाव मजिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मति तीर सतां तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीनां तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीनां। ससुख निवृत चेतास तद्युदस्तान्य भावो यजतिर रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयं वितनुत कृपयाय तत्वदीपं पुराणं तं क्लीबृजिनाग्नं व्यास सूनुं नतोऽस्मि। नमः समस्त भूताना आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। बोली श्री व्यास जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री राधा माधव भगवान की। जगत गुरु स्वामी श्री जी महाराज की। निम्बारक भगवान की। सर्वेश्वर भगवान की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भागवत जी का पूजन हुआ। व्यास जी का पूजन हुआ। कथा के मुख्य यजमान भक्तारणी भागवत जी की आरती में प्रवेश करेंगे। भागवत जी की हम सब मिलकर आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जे अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। जे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम जहि हरि ध्यान जहि हरि नाम जहि हरि ध्यान जहि जग के मंगल की आरती पापियों को पाप
तेरे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला तेरे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हे सुख करनी हे दुख हरनी सुख करनी हे दुख हरनी श्रीमधुसूदन की आरती मधुर बोल भगवंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला जे मधुर बोल भगवंथ खोल बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम जहि घन श्याम जहि श्री राम जहि घन श्याम जहि प्रभु की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं उदीरयेत् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्याय दिहितवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः यम प्रवृजन्यतम मनुपीतमभिरेकृत्यम् द्वैपायन विरहकातलजुहा पुत्री तन्मयतयातरोभिनेदुहितं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं
महिमान तोस्मि किरीट के महारहस्य मन्यतमानं कृत सर्वगात्रम् पीतांबरम् कांचन चित्रनत्यम् मालाधरम् केशवम् अभ्युपेमि कांति ही सीता मृषति निंदित शारदेन्दु यत्र गतो विलसितां सीतांग शोभा वृंदावनेश्वर हृदयामन गंग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम् श्री राधा मुकुंद युगलम् तदहं नमामि वंशी विभूषितरावनवनीरदाभा पीतांबरादरुणं बिम्बिफलादरुष्टं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रं कृष्णापरं किमपि तत्त्वं महं न जानामि श्रीकृष्णापरं तत्त्वं महं न जानामि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं सर्गस्थितिरोधार्थं कामकाममयो हि यः तं कामं कामकामग्नं कामभावाय कामयै व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोकः लोकामुक्तः कलेर्ग्रहात् श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरकपरायणं यशेव श्रीप्रसादेन श्रीधरयं कृतिः कृता राधाभक्तिर्हरिर्यानं ताभ्यां च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगले रूपिणि कृष्णप्रेममयी राधा राधा प्रेम
ममयो हरि जीवने धने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम जीवने धने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम पीतांबर हरि जीवने धने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम जीवने धने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम सब द्वार को छोड़ कर मैं आया श्री जी के द्वार ओ वृषभानु की लाडिनी नक मेरी ओर निहा ओ वृषभानु की लाडिनी नक मेरी ओर निहा बरसाने की राधिका नंदगांव के शम जिनकी युगल चैनन में मेरु बारंबार प्रणाम जिनकी युगल चैनन में मेरे कोटि कोटि प्रणाम जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण श्री कृष्ण रस विहार रस विसिता
विस्तारनी प्रियो धारणी प्यारी श्री राधे श्री राधे
Sakona pyaro, Sri Krishna.
चुकिया हरिया अपने हरिया पहने योग्य ब्रजलता कर बैठ कर पल भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख मिलार गए सब बोलो श्री राधेश ब्रज रज मुख मिलार गए सब बोलो श्री राधेश सब बोलो श्री राधेश सब बोलो श्री राधे श्याम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म चिदानंद आनंद कंद ब्रज जन नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जिनके संग श्री किशोरी जो उन युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम सबसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें इस स्थान की आदि देवी माँ जगत जननी जगत माया माँ परांबा साक्षात माँ मनसा जिनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें इस स्थान के ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता सबको प्रणाम करते हुए
श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत वृंद, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं व मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन्हें बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री निम्बारक भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी नान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः किशोरी जी की हेतु की कृपा आज हम सब के ऊपर हुई और इसी कृपा के अनुगत हम और आप सभी किशोरी जी की ही गोद में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम दिवस में आके विराजमान हुए। धन्य है यह भागवती वार्ता प्यारे और धन्य ही है भागवत धर्म कि जिसकी छत्र छाया में बैठ के जीव स्वयं साक्षात राधा रानी के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, स्वयं साक्षात ठाकुर के चरणों का दास बन जाता है। भक्ति महारानी सदैव विनम्रता के सिंहासन पर बैठकर आती है प्यारे। जीवन में जो झुकता है कहते हैं उसे ही परमात्मा मिलते हैं। कि झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ तो बस खाक मुर्दे की पहचान होती है। कि जीवन में झुक के ही प्रभु को पाया जा सकता है। भगवान को पाने का एकमात्र संसाधन विनम्रता है। इसलिए राजा परीक्षित सदगुरुदेव के चरणों में विनम्र होके बैठे हैं और सदगुरुदेव राजा को परम पवित्र परम पावनी आह्लादिनी श्रीमद् भागवती कथा श्रवण करा रहे हैं। कल आप सबने बड़ा सुंदर भगवान का विवाह श्रवण किया। रुक्मणी जी के संग भगवान का सुंदर विवाह हुआ और कहते हैं कि बड़ी सुंदर तैयारियां विवाह की हुई। द्वारिका जाके भगवान ने सुंदर विवाह किया और भगवान रुक्मणी जी के संग द्वारिका में रहने लगे। इसी बीच में आज कहते हैं कि सदगुरुदेव के चरणों में राजा ने प्रश्न कर लिया कि हे सदगुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण को मणि चुराने का दोष भी द्वारिका में ही लगा था। सदगुरुदेव कहते हैं हाँ राजन, भगवान के ऊपर भी एक बार दोष लगा था, वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। सत्रा जीता स्वतनिया मम कृष्णाय कृत किल्पिष संयमंदकीन मणिना स्वयं उद्यम में दत्तवान संयमंदकेन मणिना स्वयमोद्यम में दत्तवान। सत्रजीत स्वतनियाम, किसी द्वारिका में एक सत्रजीत नामक व्यक्ति रहा करता था जिसने भगवान को कलंकित करने का प्रयत्न किया, परंतु में अपनी कन्या देकर कहते हैं कि वह कर्म का
उसने पश्चाताप किया, कहा प्रभु यही पवित्र कथा मैं सुनना चाहता हूं। सद्गुरुदेव सुनाते हैं, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखम् प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदा सूर्यसन्तुष्टः स्वयमन्तकम् सूर्यसन्तुष्टः स्वयमन्तकम्। ये प्यारे इसी द्वारिका में ये सत्राजित नामक जो व्यक्ति रहता था, इसने एक समय भगवान सूर्य की अनन्य उपासना करी। हमारे सनातन में सूर्य को साक्षात नारायण कहा गया। क्यों कहा गया? कहा जो रात्रि के अंधकार को समाप्त कर दे वो है नारायण। अपने प्रकाश से जो पुलकित तो होके घने अंधकार को समाप्त कर दे वो साक्षात नारायण है, इसलिए सूर्य को नारायण ही कहा गया। सूर्य उपासना सत्राजित ने की और उसी का परिणाम हुआ कि सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर सत्राजित को एक मणि दी। इस मणि का नाम है स्वयमंतक मणि। इस मणि का नियम है कि अपने से 8 गुना ज्यादा स्वर्ण प्रतिदिन दिया करती है। आज सूर्य उस मणि को लेके जैसे ही द्वारिका में पहुंचा, सारे द्वारिका में ये बात फैल गई कि मानो साक्षात सूर्य देवता द्वारिका में आ गए हैं, ये भ्रम फैल गया। ये बात महल में भी पहुंची जाके रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु साक्षात सूर्य देवता द्वारिका में आए हैं, हमें भी दर्शन करना चाहिए उनका। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं देवी वो कोई सूर्य देवता नहीं अपितु वो तो सूर्य के अनन्य भक्त सत्राजित हैं, जिन्हें तप के माध्यम से वो मणि मिली है। कई दिन बीत गए थे इस बात को, एक दिन सत्राजित की भेंट भगवान से हुई। भगवान ने सत्राजित से कहा, हे सत्राजित अगर मानव के पास कोई ऐसी वस्तु हो जिस वस्तु से पूरे राष्ट्र का कल्याण हो सके तो वो वस्तु जीव को, मानव को अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए देनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो सही मंतक मणि राज्य कल्याण के लिए दे सकते हो, राष्ट्र का कल्याण होएगा इसमें। सत्राजित ने कहा, नहीं ये तो मेरे अनन्य सूर्य देव की उपासना का फल मुझे मिला है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं सत्राजित। यूं कहते कई दिन बीत गए, एक दिन की बात, सत्राजित के एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। कहते हैं प्रसेन को शिकारे खेलने का बड़ा शौक है, भाई से बड़ा प्रेम करता है सत्राजित। प्रसेन ने कहा, भैया आज मुझे ये मणि चाहिए जो तुम्हारे पास है। अब अपने भाई को मना नहीं कर सका सत्राजित उस मणि को। कहते हैं प्रसेन ने संग लिया और लेके शिकार खेलने चल पड़ा। कहते हैं कि आज भी हम रतन डालते हैं, आज भी लोग ज्योतिष के अनुसार रतन डालते हैं, माणिक पुखराज इत्यादि पन्ना। तो प्यारे रतन धारण करके, ये रतन शुद्ध होते हैं। जो कहा कि अगर इन रत्नों को धारण करके मानव कोई गलत कार्य करे, गलत खाए, गलत पिए, गलत आचरण करे तो ये रतन उसका बुरा फल देना प्रारंभ कर देते हैं। सत्राजित का भाई प्रसेन भी आज उस सयमंतक मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने गया, जिसका फल उसे भुगतना पड़ा। जब साय तक वो वापिस नहीं आया, सारे राज्य में सत्राजित ने ये बात फैला दी कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और उससे वो मणि छीन ली। महल में जब ये बात भगवान को पता चली,
रुक्मणी जी बड़ी दुखी हुई, भगवान ने आश्वासन दिया, देवी मैं अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटा के आऊंगा। और मेरे भगवान गुप्तचरों को संग लेके मणि को ढूंढने के लिए निकले। प्रभु निकले और वन में आगे बढ़े। वन में एक जगह पर बहुत सारे गिद्ध इकट्ठे हुए थे। भगवान वहां जब पहुंचे तो देखा प्रसेन वहां मरा पड़ा है। प्रभु कहा फिर मणि कहां है? कहा मणि तो केहरी के पांव के अग्रभाग में है। पांव के निशान के पीछे पीछे गए ढूंढते ढूंढते, आगे जाके देखा केहरी मरा पड़ा है। कहा मणि कहां है? मणि एक सिंह के पास है। पांवों के निशानों के पीछे पीछे गए, आगे सिंह भी मरा पड़ा है। कहा मणि कहां गई महाराज? कहा मणि एक ऋक्षराज के पास है। ऋक्षराज के पांवों के निशानों के पीछे पीछे जब गए भगवान, तो वो पांवों के निशान कहते हैं कि गुफा के बाहर जाके रुक रहे थे, समाप्त हो रहे थे। भगवान को यहाँ पे लीला करनी थी अपनी, इसलिए गुप्तचरों को बाहर ही रोक दिया। और मेरे भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। बालक मणि के संग खेल रहा, भाई चिल्लाई अरे आओ दोड़ो, बचाओ मेरे बालक को, कोई मारने आया है। ऋक्षराज बाहर निकले और कहते हैं ऋक्षराज बिना विचारे भगवान के संग युद्ध करने लगे, प्रहार पे प्रहार होने लगे महाराज। और अंततः ऋक्षराज का शरीर शिथिल होने लगा। भगवान ने छाती के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही वो प्रहार हुआ ऋक्षराज के, तो ऋक्षराज ने भी भगवान की छाती पे प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार हुआ भगवान के वलकल हटे, वस्त्र हटे और छाती के ऊपर भगवान के वक्षस्थल पर कहते हैं श्री का चिन्ह आज ऋक्षराज को दिखाई दिया। और जैसे ही वो श्री का चिन्ह दिखा ऋक्षराज, आज मानो भगवान के समस्त नतमस्तक हो गए महाराज, नतमस्तक हो गए ऋक्षराज। और प्रभु कहा धन्य हो प्रभु, ऐसी कृपा आपने करी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करी, हे प्रभु इतनी देर क्यों हुई आने में? प्यारे ये ऋक्षराज कौन थे? कहा ये ऋक्षराज और कोई नहीं थे, ये स्वयं श्री जामवंत जी महाराज थे। श्री राम अवतार में श्री जामवंत जी महाराज, जिस समय रामायण का युद्ध हो रहा था, तो जामवंत जी भगवान राघवेंद्र को कहते हैं कि हे प्रभु मैंने तो रावण को युद्ध में बस एक धक्का दिया था, रावण मूर्छित हो गया। अब मुझे अपने बल का ज्ञान तो है नहीं कि मेरे अंदर कितना बल है, क्यों ना एक बार आप मेरे संग युद्ध करके देख लो। ऋक्षराज की बात सुनकर राघवेंद्र मुस्कुराए, हे ऋक्षराज इस समय तो मैं आपका स्वामी हूं और आप मेरे अनुचर हैं, सेवक हैं। स्वामी और दास का युद्ध अच्छा नहीं लगता, परंतु आपकी इच्छा मैं एक दिन अवश्य पूर्ण करूंगा। दिव्य देहधारी श्री ऋक्षराज जी जामवंत जी महाराज तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस गुफा में, और आज मेरे राम ने कृष्ण बन के श्री जामवंत जी महाराज की वो इच्छा पूर्ण करी। सारी बात बताई भगवान ने मणि के विषय में, तो ऋक्षराज ने कहा कि हे प्रभु ये मणि तो आपकी ही है, ये मैं आपको दूंगा ही, परंतु इस दास के भी एक मणि है, एक कन्या है, जिसका विवाह मैं संसारी पुरुषों के संग नहीं करना चाहता। इस कन्या का विवाह मैं किसी भगवान के भक्त से करना चाहता था, परंतु अगर स्वयं भगवान मिल गए तो हे प्रभु आपको इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। और प्रभु जैसे ही ये बात कही भगवान एक समय तो विचार करने लगे, परंतु लीला पुरुषोत्तम बनकर आए हैं इसलिए
लीलाओं का सृजन मेरे भगवान ने करना है, इसलिए मेरे भगवान ने जामवंत जी की कन्या जामवती जी का भी वर्णन किया। मणि लेके मेरे भगवान आज पहुंचे सीधे द्वारिका, जहां पर सत्राजीत से मेरे भगवान मिले और उसे वो मणि देने लगे। सत्राजीत को सारी बात पता चली, सारे राज्य में सत्राजीत के लिए लोग सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे। प्रभु सत्राजीत ने सोचा इस निंदा से कैसे बचा जाए, काहे कन्या है मेरी, अगर मैं उसे भगवान को अर्पित कर दूं और ये मणि भी भगवान को दे दूं तो फिर मेरी निंदा नहीं होगी। भगवान से अनुमोदन किया कि हे प्रभु मैं अपनी कन्या का वर्ण इस मणि के संग आपसे करना चाहता हूँ, मणि भी आपको देना चाहता हूँ। तो प्यारे भगवान ने कहा सत्राजीत मणि तुम्हारे ही पास रहने दो। क्यों? क्योंकि इस मणि के कारण ही तो ये सारी घटना घटी थी। कहा ये मुझे नहीं चाहिए, परंतु कहते हैं सत्राजीत की कन्या जिसके संग भगवान का आज फिर तीसरा वर्ण हुआ, विवाह हुआ। और यूं करते करते कहते हैं मेरे भगवान के आठ ये विवाह हुए। यथा हतो भगवता भोमोयेन चचाहात्रियः निरुद्धादा चक्षु विक्रमं शारंगदन्वन। परीक्षित ने पूछा हे सद्गुरुदेव भगवान ने भौमासुर को क्यों मारा था। सद्गुरुदेव सुनाते हैं कि हे राजन जीवन में अत्यधिक संचय करना विनाश का कारण बन जाता है। एक शिकारी था, संचय करने का उसे बड़ा शौक था। एक एक करके उसने 20 शिकार इकट्ठे कर लिए। आज जब भूख लगी तो सोचा कि 20 तो मेरे अगले 20 दिनों में काम आएंगे, आज के लिए ताजा करके आता हूं। शिकार करने गया, मृग के ऊपर तीर बांधा और जैसे ही वो तीर छोड़ा सामने से पत्थर में जाके तीर लगा। मृग तो उछल गया, पत्थर में तीर लगा और वो तीर वापस वहां से आया और शिकारी के पेट में लगा। शिकारी स्वयं शिकार हो गया। इसलिए प्यारे जीवन में अगर संचित करना ही है तो हरि नाम को संचित करो, भगवान नाम को संचित करो। इसी शिक्षा को देते हुए भगवान सद्गुरुदेव ये पावनी कथा श्रवण करा रहे हैं कि भौमासुर नामक दैत्य था महाराज, इसे भूमिपुत्र भी कहा गया। इसने भी जीवन में संचय किया। संचय किया किसका? अधर्म का। राजकन्याओं को ये बंदी बनाता था, इसलिए इस ये राजकन्याओं को उठा उठा के लाता था और 16,100 राजकन्याएं इसने अपने बंदी गृह में कैद कर ली। भगवान को जब भगवान ने देखा कि इसके पाप का घड़ा भर गया है तो आज मेरे भगवान इसका जो राज्य था वो तीन जगह से घिरा हुआ था महाराज, अग्नि से, जल से और कंदरों से। मेरे भगवान वायु मार्ग से गए और कहते हैं इसके राज्य में भगवान ने प्रवेश किया। भूमासुर भगवान को मारने दौड़ा, मेरे भगवान ने थोड़ी देर इसको चकाया, अंततः भगवान के पदाघात से आज इसका सहार हो गया। बोलो भूमासुर मर्दन भगवान की। बंदी गृह से भगवान ने 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया और कहा हे देवियों अब सब तुम अपने अपने घरों को जाओ। वो देवियां रोती हुई कहती हैं कि हे प्रभु अब हमारा कौन सा घर, अब हमारा कौन सा घर गोविंद, कौन हम पे विश्वास करे प्रभु, दैत्य की कैद में हम रह के आई हैं। हे प्रभु
अब हम कहाँ जाएं? भगवान कहते हैं, मैं आश्वासन देता हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कहा प्रभु अब तो आप हो, जब आप नहीं होंगे तब। हमने तो सुना था प्रभु संसार में जिसका कोई नहीं होता उसके केवल तुम होते हो, उसके केवल तुम होते हो गोविंद। ऐसा कह के वो ब्रज गोपियां, वो देवियां राजकुमारियां भगवान के चरणों में रोने लगी कि हे गोविंद। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ये सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। हम साथ रहे जन्मों तक बस, साथ रहे जन्मों तक बस, रखना इतनी बात दीना हो तो ऊपर उठा के तालियों की सेवा कर रही हूं। Thank you.
सर है कहा हमने तुम्हें पहचान लिया। है काना हमने तुम्हें पहचान लिया। तो ही सर्वेश्वर है काना हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक बस सुख में रखो चाहे दुख में, सुख में रखो चाहे दुख में, बस होती रहे मुलाकात। ये देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और कहते हैं परमात्मा से अगर हम परमात्मा को ही मांग लिया जाए प्यारे हाँ, तो वो परमात्मा देने में हिचकिचाते नहीं हाँ। भगवान ने कह दिया ब्रज गोपियों को कि हे ब्रज गोपियों हाँ, तुमने ठीक ही कहा, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं हाँ। और मेरे भगवान ने कहते हैं कि ही समय में हाँ, समस्त उन 16,100 राजकन्याओं को आज भगवान ने बनाया हाँ। इस तरह से मेरे भगवान की आज ये 16,108 विवाह हो गए कि मेरे भगवान ने जिसे भी अपनाया ना कुछ परिस्थितियों वश ही अपनाया प्यारे हैं। और भगवान का वो कुटुंब वो परिवार आगे बढ़ा। सद्गुरुदेव सुनाते हैं अनेक अनेक आख्यान श्रवण कराते हैं। आगे चल के कथा सुनाई श्री निर्विराज जी महाराज की। एक दो पवन जग मोरे कुमार
विहर तुम सांप प्रेमी युग्मन चारुभानु गदा दया चारुभानु गदा दया। एक दिन भगवान के पुत्र सांप प्रद्युम्न चारु भानु और गद घूमने गई। कहते हैं घूमते घूमते आज इनकी दृष्टि एक कुएं में पड़ी महाराज, जिस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। क्रिकला सम मेरी विक्षय विस्मित मानस तस्य चो धरणि यत्नम् चक्रुस्ते कृपयान्विताः चक्रुस्ते कृपयान्विताः। वह जो गिरगिट था कहते हैं पर्वत के समान था महाराज, बहुत बड़ा बहुत विशाल। और प्रभु बालक दौड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए। हे प्रभु हे पिताजी एक गिरगिट पड़ा है कुएं में, आओ ना आके उसकी रक्षा करो प्रभु। हाँ भगवान बालकों के संग चल पड़े और मेरे भगवान ने उस गिरगिट को कुएं में जैसे हाथ दिया अपनी ओर खींचा, वो गिरगिट सुंदर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रणाम किया उस राजा ने भगवान को। भगवान ने कहा हे राजन तुम कौन हो और किस कारण से इस योनि में आके पड़े। वो राजा कहते हैं कि हे प्रभु आप तो सर्वांतर्यामी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरे ही मुख से सुनना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूं। नृगो नाम नरेन्द्रोह नृगो नाम नरेन्द्रोह इक्ष्वाको तनयः प्रभु दानिश्यामख्यायमानेषु यदिति करणं सपृशं यदिति करणं सपृशं। प्रभु मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृगु हूं, अगर कहीं आपने दानियों की सूची देखी हो उसमें आपको मेरा नाम भी मिला होगा। हजारों गायें दान करके मैं प्रातः काल कुछ ग्रहण करता था, लाखों गायें दान करके मैं दोपहर को कुछ खाता था और करोड़ों गायों का दान करके मैं सायंकाल को भोजन ग्रहण करता था, ये मेरा नियम था। कहा राजन इतना सब कुछ करके भी सियोनि में क्यों पहुंचे। राजा कहते हैं कि हे प्रभु अपने ही किए हुए दोष के कारण मुझे इस योनि में आना पड़ा। एक समय मैं ब्राह्मणों को गाय दान कर रहा था, मैंने एक गाय एक ब्राह्मण देवता को दान कर दी और वही गाय फिर से उस झुंड में मिल गई जिन गायों को मुझे दान करना था, वही गाय मैंने फिर से दूसरे ब्राह्मण देवता को दान कर दी। फल क्या मिला, दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए, आके आज वो दोनों मुझे कहते हैं हे राजन एक गाय को दो दो बार दान करता है, तेरी वाणी स्थिर नहीं है, इसलिए जा जा तू गिरगिट बन जा। राजा ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक हुआ, हे विप्र देवता हुआ पृथ्वी के देवता हो मेरे किए हुए अपराध को क्षमा करो। हे विप्र देवताओं मैंने अनजाने में ही ये पाप किया,
हे प्रभु, ब्राह्मण तो क्षमाशील होते हैं, मेरे ऊपर कृपा करो। दया की मूर्ति ब्राह्मण देवताओं ने आज कहा कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण भी स्वयं भगवान ही करेंगे। आज मानो ये गिरगिट बन के इस कुएं में पड़ा था, स्वयं भगवान ने आके इसका उद्धार किया। कि प्यारे, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में अच्छा है कि हम अत्यधिक दान करें। धन की दो गतियां हैं, या तो इसका उपभोग करो या इसका सद्दान करो। अगर दो गतियां धन की ना बनी तो धन अपनी तीसरी गति स्वतः बना लेगा। और इस संसार में धन की तीसरी गति है कि विनाश की राह पकड़ लेता है, स्वतः अपनी राह बना लेता है। इसलिए करो, अत्यधिक करो, सुपात्र को दान दो, जितना दिया जा सके दो। परंतु प्यारे, जीवन में एक बात को गांठ बांध लेना चाहिए मानव को, कि वैसे तो धर्म एक बात कहता है कि अगर दान इस हाथ ने किया ना, तो दूसरे हाथ को यह ना पता हो कि दान क्या किया गया हो। ये धर्म की बात है प्यारे, दान का व्याख्यान नहीं होना चाहिए। दान तो हृदय का भाव है, और ये जो कली काल है ना, ये केवल एक दान पे ही टिका हुआ है। चार पग थे प्यारे धर्म के, द्वापर में दया, पवित्रता, दान व सत्य। तीन कट गए, दया, पवित्रता, सत्य, केवल एक चरण बचा, वो है दान। इसलिए जीवन में करो, करो जितना हो सके, परंतु उस दान का व्याख्यान कभी ना होवे। ये धर्म कहता है, ऐसी शिक्षा मेरे भगवान आज कहते हैं, समस्त जगत को देते हैं। और आगे चलकर सतगुरुदेव कथा सुनाते हैं परम पवित्र। ये कथा है राजसूय यज्ञ की, कि महाराज युधिष्ठिर के पास एक बार स्वर्ग से श्री नारद जी महाराज पांडु जी महाराज का संदेश लेकर आए कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर ने विचार करके कहा कि अगर पिता की इच्छा है तो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। कि पिता किसी धर्म के संकल्प को अगर करे तो संतानों को उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी ने जीते जी कोई संकल्प किया हो कि प्यारे मुझे इस कार्य को करना है, तो संकल्प के प्रति दृढ़ होके उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। महाराज पांडु ने आज ये संदेश भेजा है स्वर्ग से, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज आज भगवान श्री कृष्ण को पत्र भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वारिका से सीधे हस्तिनापुर पहुंचते हैं, स्वागत करते हैं युधिष्ठिर जी महाराज, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनि यक्ष विभूर भवस्ततः संपादय नः प्रभु, संपादय नः प्रभु। हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करके आपको और देवताओं का पूजन करना चाहता हूँ, प्रभु आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूर्ण करें। जिस संकल्प में भगवान मिल जाएं प्यारे, उस संकल्प को पूरा होने से कौन रोक सकता है। इसलिए गोविंद ने आज कहा कि हे राजन, यज्ञ तो तुम्हारा अवश्य पूर्ण होगा,
परंतु इस यज्ञ की पूर्ति में जो बाधक है वो है जरासंध। इसके लिए कहते हैं कि हमें जरासंध को पराजित करना पड़ेगा। प्रभु इस बीच में महाराज भीमसेन बोली कि मेरा बल गोविंद की नीति और अर्जुन की कुशलता, हाँ ये तीनों मिलके जरासंध को पराजित करेंगे। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भीमसेन, हे अर्जुन, तुम दोनों मेरे नेत्र हो और श्री कृष्ण स्वयं साक्षात मेरे हृदय हैं। अपने तन को खोके मैं इस यज्ञ को नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, रणभूमि में अगर मारे गए तो वीर गति को प्राप्त होंगे, और अगर जीत गए तो धर्म का प्रसार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, इसलिए दोनों ही बातें उचित होंगी। और वीर पुरुष परिणाम की चिंता किए बगैर धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। धारणा जिसकी दृढ़ हो और उद्देश्य जिसका पवित्र हो, उसे संसार में कौन हरा सकता है प्यारे। इस संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं प्यारे, अधम, मध्यम व उत्तम। एक पुरुष होता है वो जो किसी कार्य के बारे में सोचता है, सोच के ही उसका परिणाम सोच लेता है और पीछे हट जाता है, उसे कहते हैं अधम पुरुष। कि उसने कार्य को सोचा तो था परंतु करने की कोशिश ही नहीं करी। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जो किसी कार्य के विषय में सोचता है, आगे बढ़ता है, बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, और उन विघ्नों से डर के वो बीच में से ही पीछे हट जाता है। और एक पुरुष होता है वो जो किसी कार्य के बारे में सोचता है, उसका परिणाम सोचता है, फिर वो आगे बढ़ता है, बीच में विघ्न आते हैं, उन विघ्नों से लड़ता है और लड़के वो जीतता है और उस कार्य को वो पूर्ण करता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। कि प्यारे जीवन में हमें उत्तम पुरुष बनना है। कैसा पुरुष बनना है? कि अगर मन में कोई संकल्प आ गया, अच्छा संकल्प, तो फिर सोचना नहीं है, फिर तो उस संकल्प के लिए आगे बढ़ जाना है, और जब तक उसके लिए प्रयत्न करना है, जब तक वो आपका यतन, वो आपका संकल्प पूरा ना हो जाए, पूर्ण ना हो जाए। संकल्प जब तक पूरा ना हो जाए प्यारे, तब तक उस संकल्प के लिए तुम लड़ते रहो, उस धर्म के लिए तुम लड़ते रहो। ऐसी प्रतिज्ञा करके आज मेरे भगवान ने अर्जुन और भीमसेन के संग कहते हैं ब्राह्मणों का रूप धरा, और रूप धर के आज मेरे भगवान चल पड़े जरासंध को पराजित करने के लिए। जरासंध को पहले ही सूचना मिल गई थी कि अतिथि आने वाले हैं द्वार पे, इसलिए महल छोड़ के पहले ही अपने राज्य के बाहर खड़ा था स्वागत के लिए। जैसे ही विप्रों को देखा, ब्राह्मणों को देखा, चरणों में नतमस्तक हुआ, परंतु ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव के अनुकूल आचरण, प्रतिकूल आचरण किया। महाराज कि संत ब्राह्मणों को चरण छुए तो संत ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, सुखी भवा, तथास्तु, प्रसन्न भवा, चिरंजीवी भवा, परंतु यहां पे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद नहीं दिया। जरासंध समझ गए महाराज कि ब्राह्मण के वेश में है परंतु ब्राह्मण नहीं है, तो फिर कौन है? कोई भी हो मेरे द्वार पर याचक बन के आए हैं, दूंगा तो जरूर, ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, मेरे प्राण ही तुम मांगेंगे ना, मैं दूंगा। कहा, प्रभु कौन है आप और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं?
भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, हे जरासंध, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूं, ये गांडीवधारी अर्जुन है और ये गदाधारी भीम है, हम जो तुमसे मांगेंगे क्या दोगे? कहा, याचक ब्राह्मण के रूप में आए हो, दूंगा जरूर। राजन विधयति थी प्राप्ता प्राप्ता नरे थी दूरम मागता तन्नह प्रियच्छ भद्रम ते यदवयम कामयामहे। राजन आपके अतिथि हैं, आपका कल्याण हो, परंतु जो मांगते हैं क्या दोगे? मांगिए। अरे वैसे तो तू ऋण छोड़ है, तेरे साथ तो मेरा शत्रुता का व्यवहार है, परंतु आज मेरा अतिथि बन गया है, इसलिए कहा, राजन देना चाहते हो तो फिर हमें युद्ध, तो हम तुम्हारे संग युद्ध करना चाहते हैं। मुस्कुराया जरासंध, अरे तू ऋण छोड़, तू मेरे संग युद्ध करेगा? अर्जुन तो भी बालक है, भीमसेन उचित है, दोनों योद्धाओं को समान आहार व्यवहार दिया जाएगा। मल्लशाला में आज दोनों योद्धा भिड़े, महाराज प्रहार पे प्रहार होने लगे, गदा का प्रहार। भीमसेन के शरीर को जब प्रहार पे प्रहार सहन करने पड़े तो आज भीमसेन का शरीर शिथिल होने लगा। और प्रभु युद्ध होता रहा। एक दिन भीमसेन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं और बैठकर कहते हैं, हे हे कृष्ण, जैसे भी करके इस युद्ध को बंद करवा दो ना, बड़ा भारी योद्धा है ये जरासंध, इसे पराजित करना बहुत कठिन है प्रभु, बड़ा कठिन है प्रभु। गोविंद को आज क्रोध आया, हे भीमसेन, युद्ध बंद होने का तात्पर्य है पांडवों की हार, धर्म की हार, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अरे भैया, कभी कभी युद्ध करते हुए जरा हमारी ओर भी देख लिया करो, तुम शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। ये चर्चा ही चल रही थी, इसी बीच में श्री सुखदेव जी भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, यही गुरुदेव, ये जरासंध किस तप के बल से इतना बलशाली था, किसे मारने के लिए भगवान को भी सोचना पड़ रहा है। सदगुरुदेव सुनाते हैं कि मगध नरेश बृहद्रथ रूपवान बलवान और ब्राह्मण भक्त थे, महाराज नियमित यज्ञ करते थे, उनके जीवन का यही नियम था। राजा के जीवन में सारे सुख थे, दुख था तो केवल एक के, राजा की कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, एक बार महात्मा चंड कोशिक इनकी राजधानी गिरिव्रज प्रदेश के समीप पधारे थे। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा संत के चरणों में नतमस्तक हुआ, प्रार्थना करी कि हे सतगुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, सारे सुख है, दुख है तो केवल एक कि मेरे कोई संतान नहीं। संत के तपोबल से एक फल ऊपर से नीचे गिरा और गिरते ही ये फल दो भागों में विभक्त हो गया, परंतु संत ने वो फल उठाया और उठा के राजा को दे दिया, कहा रानी को जाके खिला दियो। राजा उस फल को लेके गया और राजा ने वो टूटा हुआ फल रानी को खिलाया। समय के प्रभाव से संतान तो हुई,
परंतु जैसे वो फल बीच में से कटा हुआ था दो भागों में, ऐसी ही संतान हुई दो भागों में विभक्त मृत प्राय। राजा ने सोचा कि संतान भी दी प्रभु ने, परमात्मा ने, और वो भी निष्प्राण, इसलिए राजा ने दोनों टुकड़ों को घर की पिछली तरफ, कहते हैं पिछली तरफ डलवा दिया। इसी राज्य में एक राक्षसी रहा करती थी महाराज, जिसका नाम था जरा। ये जरा मांस खाया करती थी, मांस को ढूंढती ढूंढती आज ये जरा महल की पिछली तरफ पहुंची, जहां पे जरा ने दो टुकड़ों को देखा, उठाया, खाने का मन किया, परंतु मन में विचार आया क्यों ना एक बार इसे जोड़ के देख लूं। जरा ने वो बालक आपस में जोड़े, और जैसे ही वो बालक जुड़े तो एक बालक छोटा सा मुख में अंगूठा देख के रोने